हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंस कर्नेल क्या होता है उसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और रिलेशंस देखे थे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्वोल्यूशन में। इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल करेंगे यूज टू मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व एन इंटीग्रल इक्वेशन ux बराबर x माइनस 0 टू x, x माइनस जाई यू जाई डी जाई। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हेयर के एक्स जाई बराबर, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में बात करें, सॉरी वॉलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन में बात करें, तो के एक्स जाई जो है वो है एक्स माइनस जाई। उसको हम, चूंकि ये डिफरेंस कर्नल की फॉर्म में, डिफरेंस कर्नल बेसिकली और कोई भी कर्नल एक्स माइनस जाई की फॉर्म में लिखी जा सकती है, फंक्शन की फॉर्म में लिखी जा सकती है, वो डिफरेंस कर्नल होती है। तो के एक्स जाई बराबर एक्स माइनस जाई हो गया। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमारे पास F1 एंड F2 का कॉन्वोल्यूशन जो पढ़ा था वो था हमारे पास 0 टू x, F1 x माइनस जाई एंड F2 जाई ऑफ डी जाई। तो यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करें तो ये इसी फॉर्म में है बेसिकली, यानी ये इसको अगर हम g या इसको F1 ले लें, इसको F2 ले लें, तो ये हो जाएगा F1 x कॉन्वोल्यूशन F2 एक्स। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे बेसिकली, ये हो गया हमारे पास जी एक्स माइनस जाइए, बट जी एक्स तो हमारे पास यहाँ से एक्स रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास यू एक्स बराबर एक्स माइनस बेसिकली एक्स, ये एक्स माइनस और इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन, यानी जी एक्स और यू एक्स का कॉन्वोल्यूशन जो कि ये है हमारे पास। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास एक्स माइनस जी एक्स स्टार यू एक्स। अब यहाँ से हमने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यूएस, सपोज यू एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैपिटल यू एस है, इक्वल टू एल एक्स माइनस एल एक्स यू एस। अब हमारे पास एल एक्स क्या है, वो है एक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन एस टू द पावर एन प्लस वन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, इसका हो जाएगा एक्स वन, एन 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 की जगह वन है तो वन फैक्टोरियल जो कि वन ही रहेगा अपॉन एस स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर और ये यू एस, सिंपली हमने यू एस जो कि यू एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल यू एस है। अब यहाँ से हम यू एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इस टर्म को जब हम इधर ले जाएंगे और उसके बाद जो कॉमन आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यू एस की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन एस स्क्वायर अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर जो कि इक्वलेंट है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। अब इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। फ्रेंड्स, ये आ चुका है हमारे पास यू एस बराबर ये टर्म। अब यहाँ पे हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज, पहले भी हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं, ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है साइन एक्स का, साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू साइन एक्स। तो इस तरह से हम यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप नीचे दिए हुए हैं और इसको सॉल्व किया जा सकता है इजीली। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन ये हमारे पास गिवन है, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।